सो हेलो गाइस, हमारा स्पिनर प्लस का किक स्पिन टूट गया था, अभी किक स्पिन तो उसमें फिट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नया वाला किक स्पिन हम लोग डाल दिए हैं, अब इसमें शॉर्ट सफाई हो गया है, हाउसिंग फिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखते रहिएगा हमारा वीडियो, हाउसिंग हो गया, इसके अंदर बूस लगता है और यहाँ पे एक वाशर लगता है पतला सा, और यहाँ पे दो वाशर लगता है, कट होता है वाशर, अब हम लोग डालेंगे। तो ये दो वाशर है और एक तीन है, अब देखते हैं ग्रीस थोड़ा सा लगा के यहाँ पे फिटिंग कर देंगे, हो गया। और दूसरा वाला भी ग्रीस लगा कर फिटिंग हो जाएगा, और इसके बाद जो पतला इसके जो कवर होता है कवर वाला वाशर वो डालेंगे। सो देख सकते हैं अब हम लोग दूसरा वाला भी वाशर डालने जा रहे हैं, दूसरा वाला भी वाशर लग गया। अब इसके बाद में जो इसका केप वाला वाशर होता है जिसमें गड्ढा होता है वो अंदर जाएगा, वो भी बैठ गया, वो गड्ढा वाला अंदर रहेगा, कट वाला वाशर बाहर नहीं निकलेगा। अब इसका क्लच प्लेट डालने जा रहे हैं, देख सकते हैं क्लच प्लेट इसका अच्छा था इसलिए हम लोग नहीं फेरे, क्लच प्लेट बैठ गया। अब इसमें चार एक नट कसेंगे चॉकलेट नट, और उसके बाद स्प्रिंग डाल के चार नट कसेंगे। एक वाशर लग गया अंदर साइड और एक बाहर से नट लग गया, और क्लच प्लेट गाड़ी क्लच प्लेट का पुलर डालेंगे, चार घाट वाला पुलर होता है, पूरा लगा कर कसेंगे तो ये अंदर वाला ये वाला नट है, नट नहीं बिगड़ेगा। ये पूरा लग गया, अब इसमें चकनेट पूलर होता है चार घाट वाला, वो लगा कर हम कसेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, पूरा लग गया, एक टूल टूल होता है इसके कसने वाला, और टूल लगा कर कसेंगे तो अच्छे से नट भी टाइट हो जाएगा, फिर सापट पर भी असर नहीं पड़ेगा, दाती पर भी असर नहीं पड़ेगा। सो देख सकते हैं हमारा नट फुल टाइट हो गया है, अब निकाल दिए टूल, अब इसमें स्प्रिंग डालेंगे, चार स्प्रिंग लगेगा और इसके साथ चार नट लगेगा। सो देख सकते हैं हमारे मैकेनिक भाई स्प्रिंग लगा रहे हैं अभी, अब उसके ऊपर एक कवर लगेगा छोटा सा, और चार बोल्टू लगेगा, वहीं पर बोल्टू डाल के मिला मिला के चारों टाइट करेंगे, नहीं तो जो बाहर है सिल्वर का अलमुनियम का ये फूट सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मैकेनिक भाई कस रहे हैं नट बोल्टू, और चारों मिला कर कसेंगे, नहीं तो स्लिप हो जाए, अंदर वाला जो हब सेंटर है वो टूट जाता है। यहाँ पे हमारे मिस्त्री भैया देख रहे हैं स्प्रिंग मिला है कि नहीं मिला है, अब उसके 10 के टी लेकर कसेंगे, कस रहे हैं, चालू नट मिला मिला के कसना पड़ता है। यहाँ पे दाती लगा देंगे तो अच्छे से टाइट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लग गया, अब मिस्त्री भाई हमारा टाइट कर रहे हैं नट बोल्ट को। सो गाइस अभी तो नट टाइट हो गया, अब दूसरी बार जो है ये करते हैं, और एक बार ये होंडा में आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे कहने में जो मोबिल पास होता है यहाँ से, इसमें एक छोटा सा होल होता है, आप लोगों को ध्यान नहीं देगा, ठीक है, और यहाँ पे वो होल है, उसको साफा करना पड़ता है तार से, इस साइड भी वो होल आता है, इस साइड में कहाँ पे है हम लोग अभी उसको साफा करके दिखाते हैं आप लोग को। सो गाइस देख सकते हैं इसमें छेद होता है यहाँ पे, वो छेद साफा नहीं होगा तो इंजन हीट जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पास हो गया तार इधर से, अगर ठीक है कॉल तो सही है, नहीं तो अगर जाम हो गया है तो इंजन बहुत जल्दी हीट होता है, इसीलिए कस्टमर का शिकायत रहता है, बाइक जल्दी हमारी गर्म हो जा रही है। अब इसको हम लोग सापट में डालेंगे, क्लिंग सापट में लग गया, अब यहाँ पे नट बोल्ट डालेंगे इसका, एक वाशर होता है और एक चॉकलेट नट होता है, इससे भी आप लोग ठोक के मत खोलिए नहीं तो क्लिंग पर असर पड़ेगा। इसका भी टूल आता है, टूल से कसिए, नट भी नहीं बिगड़ेगा, और ये जो सापट हो गया सापट पे भी असर नहीं पड़ेगा। सो हेलो गाइस देख सकते हैं टूर से अभी हमारा काम हो रहा है, हमारे ओम प्रकाश मिस्त्री जी हैं कस रहे हैं। सो गाइस इसमें भी फोल हो जाता है, इसको भी थोड़ा थोड़ा सर सफा कर लेंगे तो क्रिंक में फोल नहीं जाएगा, नहीं तो क्रिंक रड जाम हो जाएगा तो जल्दी आवाज़ आने लगेगा क्रिंक रड में। सो ये तो सफा हो गया, अब इसको हम लोग फिटिंग करने जा रहे हैं, हो गया, और इसमें चार स्क्रू लगेगा, आठ नंबर बुना रहता है एक इसी में, देख सकते हैं अब चार स्क्रू कैसे लगाते हैं हमारे मिस्त्री साहब। हाँ तो देख सकते हैं बीट में लगा लिए हैं चार पार्ट में, और कस रहे हैं चार स्क्रू, इसको मिला मिला के टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो घाट है वो जल्दी स्लिप हो जाता है। सो गाइस देख सकते हैं हमारे मिस्त्री साहब नट कस रहे हैं पूरा ताकत के साथ में। सो गाइस इसको देख सकते हैं हमारे मिस्त्री जी क्लच प्लेट वाला कटोरा डाल रहे हैं, इसी से मोबिल पास करता है, क्लच प्लेट में थोड़ा थोड़ा बिकता है, हमारे मिस्त्री जी अब डाल रहे हैं, देखते हैं कैसे डालते हैं। और हमारे मिस्त्री जो बंदर डालते हैं अब उसमें 10 नंबर का दो नट डालेंगे, एक यहाँ पे ऊपर लगेगा एक वो साइड में लगेगा। सो गाइस देख सकते हैं
हमारे मिस्त्री साहब ना फंसा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे करना चाहिए तो ऊपर फंसा रहे हैं। सो गाइस अकबर मिस्त्री भाई अकबर बार नट फंस गया है ये साइड और उस साइड, तो अब देखते हैं कैसे फंसाते हैं हमारे मिस्त्री साहब। सो गाइस ये हीरो का ओल्ड मॉडल बाइक है, पुराना मॉडल है, यहाँ पे देख सकते हैं हीरो कंपनी का, अच्छी है, चलती है, यही है। मॉडल कितना है तो 2009 मॉडल है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, हाँ 2009 मॉडल है। सो गाइस यहाँ पे मूवी फिल्टर सफा हो रहा है, इसमें जो मूवी का जो फोर होता है इसमें आता है, इस और सफा करके लोग डालेंगे इसको भी। सो गाइस फिल्टर यहाँ पे लगेगा, देख सकते हैं हमारे मिस्त्री भाई डाल रहे हैं, हो गया। अब इसको क्लच कवर पाला ये वाला उसमें फिटिंग होगा। सो गाइस देख सकते हैं क्लच कवर का भी सर सफा हो रहा है, अब उसको हम लोग फिटिंग करेंगे। सो हेलो गाइस देख सकते हैं क्लच कवर फिट होने वाला है, फिट हो रहा है, हमारे मिस्त्री हैं ओम प्रकाश, यहाँ पे थोड़ा सा मिला के डालिए, नीचे फूल में थोड़ा सा रखता है, हो गया अब लग गया। इसमें क्लच सपोर्ट क्लच से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्लच, अब इसमें नट कसाई होगा।